Assalamualaikum students, hope you all are fine. So class 3, take out your maths book and open page number 13. Students, आज हम question number 1 and 2 जो है solve करेंगे. Question 1 है, look at the following 4 digit numbers. One of the digit has been circled with write its value and draw beads on the backs to show the value. Students, आपने करना क्या है, ये जो value दी गई है ये वाली, ये A, B, C, D, ये जो है values, आपने इसमें जो सर्कल वैल्यू है उतने ही बीड ड्रा करने हैं स्टूडेंट्स. और बीड्स उसकी, सो स्टूडेंट्स एज यू नो, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड एंड देन थाउजेंड आता है. तो अगर आप काउंट करें तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड, तो इसकी वैल्यू हंड्रेड पे आ रही है. आपने हंड्रेड पे उतने ही बीड्स ड्रा कर देने. हंड्रेड पे सिक्स आ रहे तो आपने सिक्स बीड्स ड्रा कर देने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जैसा कि है. और इसकी वैल्यू भी लिखनी है तो वंस, टेंस और हंड्रेड, तो ये हंड्रेड पे आ रहा है तो आपने सिक्स हंड्रेड भी लिख देना है. ठीक है, हम बी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स आप देखें, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे नाइन थाउजेंड. ओके, और थाउजेंड्स वाली जगह पे ही आप नाइन बीड्स ड्रा कर देंगे. ओके स्टूडेंट, फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन. ओके, सी पार्ट देखें, तो ये वंस, टेंस, टेंस वाली जगह पे है तो आप टू बीड्स ड्रा करेंगे, और टेंस पे है तो ये इट मींस टू टेंस या ट्वेंटी. ठीक है, ट्वेंटी भी लिख सकते हैं, टू टेंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपकी मर्जी है. ठीक है स्टूडेंट्स, डी पार्ट जो आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है. टू, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ द सर्कल्ड डिजिट. सो स्टूडेंट इसमें भी आपने जो सर्कल वैल्यू बीच ड्रा नहीं करना है, यहाँ आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है. ठीक है, कि वो कौन सी प्लेस पे आ रही है. जैसा कि अगर ये वंस है उसके बाद टेंस, तो नाइन टेंस लिख देनी है. ठीक है, नाइन टेंस. इस तरह ये वंस पे आ रही है तो फोर वंस लिख देना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो वन हंड्रेड लिख देना है आपने. ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस तरह वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो आप थ्री थाउजेंड लिख देंगे. ठीक है, थ्री थाउजेंड, ये इस तरह, इसको आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं. ओके, वन हंड्रेड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, बाकी पार्ट भी आपने इस तरह ही सॉल्व कर लेने हैं. बुक पे आपने इसे सॉल्व भी करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेनी है.